वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मॉस्कीज किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर रेसिपी विदाउट गार्लिक एंड अनियन, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, हमारे घर पे गेस्ट आते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो गार्लिक और अनियन को अवॉइड करते हैं दिवाली के दिन बिकॉज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी की जो हम पूजा करते हैं। सो उन्हीं के लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑयल ले लिया था मैंने 1 स्पून, उसमें मैंने 1/2 स्पून जीरा डाला है। एंड जब तक जीरा होता है तब तक बाकी के आइटम हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 से 18 दाने मूंगफली लिए हैं, 12 से 13 मैंने काजू लिए हुए हैं और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज टमेटोज लिए हैं और उनमें 1/2 ग्रीन चिली। आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने टमेटोज लेने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब जीरा हो गया है तो मैंने इसमें मूंगफली और जो काजू हैं उन दोनों को डाल लिया है। एंड हमें इसी तरीके से हिलाते हुए इन्हें सैलो फ्राई करना है जब तक कि हल्का सा कलर चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो और ग्रीन चिली। तो एक बार हम डाल के इस तरीके से कुछ सेकेंड चला लेंगे टोमेटोज़ को। उसके बाद यहाँ पर जो है मसाले वो हम ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साथ ही यहाँ पे 1/2 स्पून कोरिएंडर मैंने डाल लिया है, धनिया पाउडर, और 1/4 स्पून मैंने यहाँ पे टर्मरिक डाला था, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर मैंने इसमें डाला है और 1/4 स्पून मैं यहाँ पे गरम मसाला मैंने ऐड कर लिया है। इन सभी को अच्छे से एक बार हम चला लेंगे और इसके बाद हम इसमें ये देखिए अच्छे से ये थोड़ी सी इसकी रॉ स्मेल आ जाए उतना हमें इसे चलाना है 2 से 3 मिनट मसालों को। जब ये हो जाए तो हम इनमें वाटर ऐड कर लेंगे। सो आपने अराउंड 1.5 ग्लास से 2 ग्लास वाटर ऐड करना है इसमें। इससे होगा क्या, आप दूसरे आइटम अपने आसानी से बना सकते हैं, आपको जलने का डर नहीं रहेगा और आप इजीली इसे 8 से 10 मिनट के बाद डायरेक्टली देखिए तो इसका वाटर जो है वो ड्राई हो जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये मेरा बन गया है, लुक एट दिस। एंड अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद ठंडा होने के बाद हमने इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, बिल्कुल फाइनली जो पेस्ट होता है वो बना लेना है। तो यहाँ पर अगेन मैंने कढ़ाई रख के ऑयल गरम कर लिया था, उसमें मैंने जो पनीर क्यूब्स हैं, पनीर के जो पीस हैं वो मैंने रख लिए हैं। इन्हें हमने सैलो फ्राई करना है। एंड कलर जो है मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क रखूँगी, वो बहुत ही अच्छा लगता है कलर, जो ब्लैकिश कलर, ये देखिए ग्रिल टाइप में जो कलर आता है वो शाही पनीर में, वो सबकी अपनी पसंद होती है। अगर आपको इतना डार्क नहीं पसंद है कलर तो आप लाइट करिए, बट आई स्पेशली प्रेफर दिस, मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ग्रेवी में जाके भी ये थोड़ा कलर इसका जो है वो लाइट हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए मैं बिल्कुल ही फाइनली इसका पेस्ट बना लिया था जो टोमेटोज थे, तो उन्हें अच्छे से पनीर होने के बाद हमने इसमें डालना है। साथ ही हमने इसमें वाटर ऐड कर लेना है अराउंड 1/2 ग्लास। तो यहाँ पर देखिए बिकॉज मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो हमारे लिए काफ़ी है ये ग्रेवी। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आपने टोमेटोज जो हैं वो क्वांटिटी बढ़ा देनी है। तो लुक एट दिस, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनती है विदाउट गार्लिक एंड ऑनियन के। तो यहाँ पर मैंने ढककर इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए कुक किया। एंड यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से ये बन गई है। एंड कलर देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। एक बार मैं फिर से इसे ढककर कुक कर रही हूँ नेक्स्ट 3 से 4 मिनट के लिए। एंड हियर अगेन, वाओ, आई होप आप लोगों को कलर से ही समझ आ रहा होगा इसका कलर जो है बिल्कुल एक रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी ये होती है। और उसका सेम टेस्ट एंड प्लस जो फ्लेवर, जो क्रीमी फ्लेवर इसमें आता है काजू से, मूंगफली से, प्लस यहाँ पे मैं 2 स्पून मैंने यहाँ पे क्रीम ऐड कर लिया है। आप मार्केट का ऐड कर लीजिए या फ्रेश क्रीम अपने घर का करिए आप ऐड। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे कर लेना है। ये देखिए अच्छे से ये, बहुत अच्छे से ये ग्रेवी बनती है, बहुत ही डिलीशियस, माउथ वाटरिंग होती है। और यहाँ पर मैं साथ ही थोड़ा सा रोस्टेड जो कसूरी मेथी होती है वो मैंने डाली है पाउडर फॉर्म में। एंड बस इसे हमने 1 से 2 मिनट रखना है और उसके बाद फ्लेम ऑफ करके हमें इसे सर्व करना है। सो ऑलमोस्ट डन एंड हियर माय डिनर इज रेडी विदाउट गार्लिक एंड
ऑनियन की। सो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, शाही पनीर मैंने बनाया है जो विदाउट गार्लिक और ऑनियन है, और साथ ही मैंने,